कॉनिकल पेंडुलम। देखो कॉनिकल पेंडुलम क्या है, अगर आप एक रस्सी लो, नीचे मास लो और पेंडुलम को ऐसे मूव करवाओ, तो कौन सा पेंडुलम है? कौन सा पेंडुलम है? सिंपल पेंडुलम है। लेकिन अगर आप रस्सी लो और मास लो, उसको ऐसे घुमाओ, तो एक कोन की शेप लेगा, तो कौन सा पेंडुलम है? कॉनिकल पेंडुलम है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन है कि आपने कॉनिकल पेंडुलम में इस मास को घुमा दिया, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है, आपको और इसमें कुछ नहीं गिवन, रेडियस भी नहीं गिवन, इसमें आपको बताना है कि इस कॉनिकल पेंडुलम में मास का टाइम पीरियड क्या है, और ये एंगल थीटा गिवन है। जब थीटा एंगल पे कॉनिकल पेंडुलम बनाया, आपको बताना है कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड क्या है? वो जो मास है एक चक्कर कितनी देर में काटता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ गिवन है, सबसे पहले आपको इसमें एक, ये देखो, ये आपको एक स्ट्रिंग गिवन है जो किस में घूम रही है ना, सर्कल घूम रही है यारी, ठीक है। ये जो है, ये देखो कुछ ऐसे, इसके अंदर आपको ये जो एंगल गिवन है, एंगल वर्टिकल के साथ, ये क्या गिवन है? थीटा। और लेंथ कितनी है? एल। ये जो स्टोन घूमेगा इसका वेट क्या है? mg डाउनवर्ड। स्ट्रिंग में क्या जाएगी? टेंशन टी। जो स्ट्रिंग है इसमें क्या जाएगी? टेंशन टी। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? स्ट्रिंग जब भी टेढ़ी होती है, याद है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। तो ऐसे केस में वर्टिकल लाइन बनाते हैं कुछ ऐसे, एंड इस वर्टिकल लाइन में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया? थीटा। ऐसे करते थे लॉज ऑफ मोशन में। टेंशन के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा और दूसरा कॉम्पोनेंट ये रहा कितना? टी साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, क्लियर है? अब इसके अंदर यहां पर ये जो मास एम है, ये किस में घूम रहा है? सर्कल में। इसके सर्कल का सेंटर आपको कहां मिलेगा? ये रहा सेंटर सी। इस पत्थर का सर्कल तो नीचे बना, कौन से लेना देना नहीं है, सर्कल का सेंटर कहां पर है? सी। तो अगर आप ये पूछो कि इस मास को कौन सी फोर्स चाहिए ताकि ये सर्कल में घूमे, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स कहां एक्ट करेगी? टुवर्ड सेंटर। तो इस स्टोन के ऊपर इस टाइम कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है जो आपको सेंटर की तरफ दिख रही है? उसका नाम क्या है? टी साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? तो टी साइन थीटा फोर्स कहां एक्ट कर रही है? टुवर्ड्स सेंटर। और यही एक्ट करेगी इसमें क्या? सेंट्रीपेटल। पर आपको क्या निकालना है? इस स्टोन का टाइम पीरियड निकालना है टी। एक चीज याद रखना, तो टाइम पीरियड निकालना होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो हमने एक डेफिनेशन की थी ओमेगा की। ओमेगा क्या होता था? एंगल बाय टाइम, याद है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी? कितना एंगल कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, यही थी डेफिनेशन। एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी एक चक्कर पूरा करती है सर्कल का, तो एंगल सेंटर पे कितना बनता है? और एक चक्कर के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। इंपॉर्टेंट है, लिख लो ओमेगा क्या होता है, 2π/T, याद रखना ये फॉर्मूला। क्लियर है? अगर मैं आपको इस पेंडुलम का या जो भी ये मास है इसका ओमेगा बता दूं, तब क्या निकाल सकते हो? कैपिटल टी। अगर मैं आपको ओमेगा बता दूं तो क्या निकाल सकते हो? कैपिटल टी। कोई डाउट इसमें? और ओमेगा निकालने का मेरे पास एक तरीका है, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला, एम आर ओमेगा का स्क्वायर। तो इस पेंडुलम के लिए पहली क्वेश्चन क्या बनेगी? टी कॉस थीटा कितना इज इक्वल टू एम जी। क्या ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है? और दूसरी, जो टी साइन थीटा फोर्स है एक्टिंग टूवर्ड सेंटर, तो ये क्या एक्ट करेगी? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में ये क्या चीज है? आर इज दी रेडियस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसके अंदर टी साइन थीटा कहां एक्ट कर रहा है? टूवर्ड सेंटर, इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? अब प्रॉब्लम यह है कि कॉनिकल पेंडुलम में आर नहीं गिवन होता, लेंथ ऑफ द पेंडुलम गिवन होती है। कोई बात नहीं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, साइन थीटा किसके इक्वल है? आर डिवाइडेड बाय एल। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल साइन थीटा। आप यहां पे पुट कर सकते हो, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू एल साइन थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है यहां तक?
टी कॉस थीटा एम यस जी, टी साइन थीटा टूवर्ड सेंटर है, जो भी फोर्स टूवर्ड सेंटर है वो एक्ट करती है सेंट्रीपिटल, तो टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है कि आपको आर नहीं गिवन होगा, एल गिवन होगा, तो ट्राइंगल से साइन थीटा आर बाई एल, तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा बस। तो इसमें ये देखो यही किया हुआ है, टी कॉस थीटा एम जी, टी साइन थीटा एम आर ओमेगा का स्क्वायर, और आर की जगह सॉल्व किया हुआ है एल साइन थीटा। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों को डिवाइड कर लें, टी से टी कैंसिल, तो साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो ये टर्म आ गई, और यहाँ से ओमेगा एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये टर्म आ गई, हमें ओमेगा निकालना है। टेन थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर से क्या आ गया ओमेगा आ गया अंडर रूट लेके, ओमेगा क्या होता है टू पाई बाई टी की आज हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, तो कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला टू पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। चाहो तो ऐसा फॉर्मूला याद कर लो, चाहे तो सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मार्क कर लोगे, टू पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो इस हर क्वेश्चन के अंदर सर्कुलर में यही देखना होता है कि कौन एक्ट करेगा सेंट्रिपिटल, हर क्वेश्चन में डिफरेंट है, किसी में फ्रिक्शन है, किसी में आर साइन थीटा, किसी में आर कॉस थीटा, किसी के अंदर टी कॉस थीटा, किसी में टी, यही प्रैक्टिस करवाना है कि हर केस डिफरेंट है, कौन एक्ट करेगा सेंट्रिपिटल, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, आज के लेक्चर में यही देख रहे हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी ठीक है यहाँ तक। अच्छा इसी तरीके से अब नया क्वेश्चन है, क्या नया क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है, चेक करो कि सपोज करो आपके पास एक हेमिस्फेयर है, सपोज आपके पास एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, इस हेमिस्फेयर को कई एक्सिस है जिसके अबाउट हेमिस्फेयर रोटेट करेगा विद ओमेगा, घुमाना है। एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट सपोज करो बीच में यहां नीचे पड़ा हुआ था, जब घूमेगा हेमिस्फेयर तो थोड़ा ऊपर आ गया, ऊपर नीचे रहेगा थोड़ा ऊपर आ जाता है, खिसक के ऊपर आ जाएगा, चलो नहीं भी आया, मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि इंसेक्ट यहां पर है, हेमिस्फेयर घूम रहे, अंदर एक चींटी है, इंसेक्ट है, कुछ भी है, तो ये भी, तो जब हेमिस्फेयर गोल गोल घूमेगा, हेमिस्फेयर का रेडियस यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल आर, जब हेमिस्फेयर घूमेगा तो ये इंसेक्ट इस सर्कल में घूमेगा नीचे, वो इंसेक्ट देगा आपको कहां पड़ा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट देगा, उसने यहां पर दे दिया, यहां पे दिया, तो उसका जो घूमने का रेडियस है वो कैपिटल आर नहीं होगा, वो कैपिटल आर से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, अपना ही रेडियस है, कितना रेडियस है गिवन नहीं है, ओमेगा, हाँ सेम ओमेगा, सेम है ओमेगा, सेम है, पूरी कटोरी का एम ओमेगा सेम होता है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इस केस में पार्टिकल जितना नीचे होगा उतना रेडियस छोटा होगा, जितना ऊपर जाएगा रेडियस उतना बड़ा होगा, अब वो आपको देगा कि कहां पड़ा इंसेक्ट, वो हमारी अटेंशन नहीं है, तो इस केस में वो कहां पड़ा है इंसेक्ट, वो यहां पड़ा है, सच दैट इसने जो एंगल बनाया इंसेक्ट ने इस वर्टिकल के साथ, क्वेश्चन में गिवन है ये जो एंगल है वो थीटा गिवन है, तो उसे थीटा एंगल पे इंसेक्ट लिया और वो घूम रहा है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन वही है कि इस इंसेक्ट का एक चक्कर का टाइम पीरियड क्या होगा, ये क्वेश्चन है, फिर से वही सेम टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है यहां तक? अब रूल नंबर वन, यहां पर स्ट्रिंग तो है नहीं कि टेंशन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिंग तो है ही नहीं है, तो ये रेडियस क्या है हेमिस्फेयर का, आर, आर हेमिस्फेयर है, इसके अंदर, इसके अंदर ये जो सेंटर है ये इंसेक्ट का सर्कल का सेंटर है, इंसेक्ट जो घूम रहा है उसका जो सेंटर है वो कहां पर है,
वो यहाँ पर है, कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? देखो इंसेक्ट तो अपने चक्कर में घूम रहा है सर्कल में, उसका सेंटर कहाँ पर है? वो तो हेमिस्फीयर का सेंटर है, वो तो अपना सेंटर देखेगा सर्कल का, उसका अपना सेंटर कहाँ मिलेगा? ये सेंटर है, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूँ इंसेक्ट कितने रेडियस में घूम रहा है सर्कल में, तो मान लो रेडियस क्या है, छोटा आर। छोटा आर मुझे गिवन तो है नहीं, कोई बात नहीं, निकाल लेते राइट एंगल ट्राइंगल। एक बार फिर से, साइन थीटा किसके इक्वल? स्मॉल आर बाय कैपिटल। स्मॉल आर क्या आएगा? कैपिटल आर साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? अगर नहीं गिवन स्मॉल आर, हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर सेंटर, और किसी भी इसका आर होता है ना कैपिटल आर, हेमिस्फीयर में तो रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है ये सेंटर से लेके कोई भी सर्कमफेरेंस ज्वाइन कर दो कैपिटल आर है, सेम ही होता है वो तो। हाँ ये डिफर करेगा, ये भी डिफर करेगा, ठीक है, यहाँ तक एंगल भी डिफर करेगा, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको करने से पहले जब भी कोई इंसेक्ट बैठा होगा किसी हेमिस्फीयर में, सेंडर में, कोन में, कहीं बैठा होगा, तो उसमें टेंशन तो होती नहीं है ऐसे केस में। तो आपको क्या करना होता है इसमें, जैसे एक स्फीयर है और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि स्फीयर का ये सेंटर है, तो अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ नॉर्मल, तो बोलो वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर से। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ नॉर्मल, तो कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर से। यहाँ पे पास ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये रूल है कि कोई भी हेमिस्फीयर या स्फीयर हो, नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करेगा? हेमिस्फीयर या स्फीयर के सेंटर से। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही केस है, वो क्या, ये देखो यहाँ पे सपोज करो, ये देखो ये इंसेक्ट है, इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं n, इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कितना n, वो जो n है वो कहां से पास करेगा? हेमिस्फीयर के सेंटर से। ये रूल बनाया अभी हमने, नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा? हेमिस्फीयर या स्फीयर के सेंटर से। तो नॉर्मल डायरेक्शन n है, अगर ये n है, एक लाइन खींच लेते हैं यहां पे, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट है, n cos थीटा और इस तरफ कितना n sin थीटा, और इसका वेट कितना है mj। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चंस क्लियर। देखो किसी में टेंशन के कंपोनेंट्स हैं, किसी में नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट, कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस। हेमिस्फीयर में इंसेक्ट है, कोन में इंसेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन, धागा बांध रखे है, एम घुमा रहे हैं तो टेंशन, ठीक। पहली क्वेश्चन n cos थीटा क्या mg, दूसरी क्वेश्चन n sin थीटा इस इंसेक्ट के कहां एक्ट कर रहे हैं? टुवर्ड्स सेंटर, तो क्या प्रोवाइड करेगा इसे? सेंट्रिपेटल। और क्योंकि हमें t निकालना है तो फॉर्मूला सेंट्रिपेटल का क्या यूज करेंगे? एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ये देखो यही एग्जैक्टली इसमें किया हुआ है, ये रहा सर्कल, इसका स्मॉल आर गिवन नहीं है, कैपिटल आर गिवन है, तो साइन थीटा इज स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, ये थीटा, तो ये थीटा, नॉर्मल रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट है, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, इसका वेट क्या है? एम जी, ठीक। तो यहां पर एन कॉस थीटा किसके इक्वल है? एम जी। और एन साइन थीटा कहां एक्ट कर रहा है? टूवर्ड सेंटर, और क्या एक्ट करता है? सेंट्रीपिटल। क्लियर है यहां तक? इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर साइन थीटा पुट करेंगे, चलो पहले डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एन से एन, एम से एम कैंसिल, टैन थीटा आ गया। टैन थीटा क्या होता है? साइन बाय कॉस। और स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? कैपिटल आर साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा टू पाई बाई टी, आंसर। क्या ये फॉर्मूला देखा लगता है? देखा लगता है, कब किया? कॉनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला सेम नहीं था एक्चुअल में, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अरे ये भी तो कॉनिकल पेंडुलम ही हुआ, देखो कैसे, सिर्फ इसको देखना, ये इंसेक्ट घूम रहा है, ये डायग्राम देखना बस, ये देखो बन गया ना कॉनिकल पेंडुलम अंदर से, तो इस क्वेश्चन करने की जरूरत ही क्या थी, बस एल की जगह यहां पर लेंथ आर है, सेम आंसर है, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना सीधा मार्क कर देंगे एल की जगह आर। समझ में आया यहां तक? यही प्रैक्टिस है, कौन करेगा वहां बैठ के एन कॉस थीटा एन साइन, कोई नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
तो बिल्कुल कॉनिकल पेंडुलम का केस ही बाहर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, कोन। चलो इस बार इन सेट को कोन में घुमाते हैं, ठीक है। तो फिर से क्या निकालना है, टाइम पीरियड। मैं डायग्राम नया बनाऊंगा इसका। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, यस सर, यस ये सर। कोन देखो, कोन। सपोज फिर से एक बार इंसेक्ट को बिठाते हैं, और कहां पे, कोन में। कोन घूम रहा है इस वर्टेक्स पे कुछ ऐसे, मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट, थीटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। फिर से एक इंसेक्ट है, इस बार जो इंसेक्ट है मान लो यहां पे है, एम मास का इंसेक्ट है, वो किस सर्कल में घूमेगा, वो इस सर्कल में घूमेगा। कोई डाउट इसमें भाई? जहां टिकाओगे उसी सर्कल पे घूमेगा। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये कितनी हाइट पर इंसेक्ट है ग्राउंड से। अगर ये ग्राउंड है तो ये हाइट क्वेश्चन में गिवन है एच, ये एच गिवन है। अगर आपको ये एच गिवन है, आपको ये थीटा गिवन है, तो एटलीस्ट आप यहां से क्या निकाल सकते हो, इसका रेडियस आर। तो मान लो इसका रेडियस क्या है, आर। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी इसमें, आर डिवाइडेड बाय एच। रेडियस गिवन नहीं होता, एच गिवन है, थीटा गिवन है, तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, एच इंटू टैन ऑफ थीटा। कोई डाउट इसमें? तो आपको एच गिवन है, थीटा गिवन, रेडियस आ जाएगा। इफ नीडेड आर की जगह ये पुट कर लेंगे। अब असली चीज़ क्या है इसमें, असली चीज़ रेडियस निकालना नहीं है, असली चीज़ है ये तो हम निकाल लोगे, रेडियस वेडियस में कोई चक्कर नहीं है। देखो इसके अंदर जो असली चीज़ है वो ये है कि सपोज करो, सपोज मैंने एक लाइन यहाँ पर खींची इसके पैरेलल, ठीक है, और ये ऐसे खींचिए, कोई फर्क नहीं है, लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ इसमें देखते हुए, अगर ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल क्या है, थीटा। देख रहे हो, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्लियर है। इंसेक्ट है ना, चाहे स्फेयर के अंदर हो, हेमिस्फेयर के अंदर हो, सिलेंडर में हो, नॉर्मल रिएक्शन तो लगना ही है इंसेक्ट में, नॉर्मल रिएक्शन लगना ही है। अब वो नॉर्मल रिएक्शन, अगर ये कोन का सेंटर है तो नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करेगा, कोन के सेंटर से नहीं करेगा। आपको क्या है, नहीं करेगा, हेमिस्फीयर में कर रहा था, सेयर में कर रहा था, कोन में कैसे करेगा, रट्टा थोड़ा मारना है कि सर ने कहा कि सेंटर करेगा तो करेगा। देखो ये कोन है, अगर मैं कहूँ ये रहा इंसेक्ट, यार इसका इसके ऊपर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सेंटर कहाँ घूम रहा है, परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है, कैसे करेगा। अब देखो ना, डायरेक्शन देखो, हर पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास करेगा, ये रूल स्फेयर में लगता है, हेमिस्फेयर में लगता है, कोन में नहीं लगता। क्लियर है यहां तक? तो कोन में नहीं लगेगा। तो इसके अंदर अगर ये कोन में नहीं लगेगा तो देखो क्या करेंगे इसमें। तो इसके अंदर ये थीटा थीटा, क्लियर है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये लो ये बन गया इसका कोई नॉर्मल रिएक्शन एन। सही है, नॉर्मल रिएक्शन जो एन होता है वो इस सरफेस के साथ क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये और ये 90 पे है और ये एंगल थीटा है, तो बोलो ये कितना है, 90 माइनस थीटा है। कोई डाउट इसमें? सही है। और लास्ट स्टेप, ये लाइन और ये लाइन भी आपस में 90 पे है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, थीटा। कोई डाउट इसमें? थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, उसके बाद ये और ये 90 पे है तो ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ये और ये परपेंडिकुलर तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा, राइट। तो अगर ये एन है और ये थीटा है, ये थीटा है, तो एन के दो कंपोनेंट होने वाले हैं। पहला कंपोनेंट कितना, एन कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कितना, एन, और बॉडी का वेट कितना है। डायग्राम समझ में आया है यहां तक? ठीक। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोण लिया, ठीक है, सबसे पहले आपने कोण लिया, इस कोण का ये वाला एंगल आपको क्वेश्चन में क्या आगे बनता, थीटा। फिर आपने एम मास लिया, इसके सर्कल में घूमा, इसके अंदर आपने एक 90 डिग्री पे
लाइंस ड्रॉ की, थीटा तो थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन का ये रहा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन का पहला कंपोनेंट सेंटर की तरफ कितना एन कॉस थीटा, और एक ऊपर कितना एन साइन थीटा, और वेट कितना इसका बोलो कितना एम जी। क्या स्टेप क्लियर है? तो पहली इक्वेशन बोलो एन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना एम जी, राइट। ये सर्कल में घूम रहा है, कौन सी फोर्स सर्कल में घुमा रही है एन कॉस थीटा, तो एन कॉस थीटा एन साइन थीटा एम जी, एन कॉस थीटा एम आर ओमेगा का स्क्वायर। इसमें ये पार्टिकल कितने रेडियस में घूम रहा है, आर डैश, ठीक। आर डैश कैसे निकलेगा, ये एच है, ये थीटा है, तो टेन थीटा आर डैश बाय एच, आर डैश की वैल्यू आ गई। इस आर डैश को यहां पुट करेंगे तो ये टर्म आ गई, राइट। तो ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, एन से एन एम से एम कैंसिल, सॉल्व करके क्या आ गया आपके पास, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा के स्क्वायर का अंडर रूट लेके क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाय टी, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड आ जाएगा। मेथड समझ में आया, ठीक, नॉट फॉर एनसीईआरटी, और हाँ आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स के अंदर आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो आप मेरे पर डाउट लेके आएंगे, सर कैसे हुआ, अब आपको पता है कि हाँ ऐसे केस में क्या करना है, करनी तो प्रैक्टिस ही पड़ेगी, ठीक है। ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन को समझते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कि सपोज करो आपके पास एक सिलेंडर है, कुछ भी है, सिलेंडर है या कुछ भी, कोई फिगर इमेजिन कर लो। तो इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक सिलेंडर है ये रहा, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, घूम रहा है विद ओमेगा, ठीक है, सिलेंडर घूम रहा है ओमेगा, एक पूरा बड़ा सिलेंडर है और घूम रहा है विद, कैसे घूम रहा है, या तो आपने जाके बाहर से धक्का मार दिया, गोल घुमा दिया तो घूम रहा है, या नीचे मोटर लगी हुई, झूले घूमते ही है, मोटर लगी हुई घूम रहे, मशीन घुमा रही है ऐसे, सही है, राइट। इससे पहले मैं एक अगला क्वेश्चन पूछूं, इस क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर आपके पास ये एक कार है जो आगे एक्सलरेट कर रही है, कार के अंदर एक बैग है, उसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी, पीछे, कितनी, कौन सी, सूडो फोर्स, क्लियर है यहां तक, सूडो फोर्सेस कब एक्ट करती हैं, जब फ्रेम क्या होता है नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल का मतलब जब सिस्टम में क्या होती है एक्सेलरेशन, कार अगर एक्सेलरेट करेगी, कार के अंदर जो सामान है उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कोई डाउट इसमें, अगर कार एक्सेलरेट करेगी तो सामान पीछे जाएगा, तो जो भी सिस्टम एक्सेलरेट करते हैं उनके अंदर जो सामान पड़ा होता है सब पे क्या लगती है, सूडो फोर्स, सही है। वापस आते हैं इसके ऊपर, सपोज करो एक सिलेंडर है, अच्छा भला सिलेंडर घूम रहे, आपने सिलेंडर से पूछा भाई तू घूम रहे, उसने कहा हाँ सर घूम रहा हूँ मैं, कैसे घूम रहा है, उसने कहा मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, किसने दी, मोटर ने दी, क्या तेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो कहता है सर अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो होगी होगी, मैंने पूछा डायरेक्शन का है, क्या बोलेगा, डायरेक्शन का है टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर सेंटर घूम रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स सेंटर, कोई डाउट इसमें। तो इस सेंटर ने कहा कि देखो मेरे पास एक्सेलरेशन बिल्कुल है और कहां पर है, टूवर्ड्स सेंटर, जिसका फॉर्मूला क्या है, आर इंटू ओमेगा का, फिर आर इज द रेडियस ऑफ द सेंटर, कोई डाउट इसमें, मानते हो, सेंटर यानी कि अच्छा भला क्या कर रहा था, एक्सेलरेट, चाहे वो मूव ऐसे नहीं कर रहा, गोल घूम रहा है,
गोल घूमने में भी जो एक्सेलेरेशन होती है जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन। कोई डाउट इसमें? अंदर एक बैग पड़ा था जमीन पे, इसके ग्राउंड पे फ्रिक्शन थी नहीं, बैग कहाँ जाएगा, कहाँ मिलेगा, बहुत तेज घूम रही है, कहाँ मिलेगा, चिपका मिलेगा दीवार के साथ, ऐसे ही होगा, फ्रिक्शन है नहीं। आप बैठ जाओ सिलेंडर की जमीन पे जाके, फ्रिक्शन तो है नहीं, आप भी कहाँ मिलोगे, चिपके मिलोगे दीवारों के साथ, ऐसे ही होगा, ठीक? क्यों? क्योंकि सिलेंडर क्या कर रहा था, एक्सलरेट, कार की तरह। सिलेंडर के अंदर जितना सामान है उसको क्या लगेगी, सूडो फोर्स। भाई सिलेंडर एक्सलेट कर रहा है तो अंदर सामान पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स। तो अगर सिलेंडर की एक्सलेशन टूवर्ड सेंटर है तो सूडो फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर है, राइट? अगर कार ए के साथ इधर जाती है सामान पीछे आता है। अगर सिलेंडर की एक्सलेशन टूवर्ड सेंटर है तो सामान की एक्सलेशन अवे फ्रॉम सेंटर, सामान के ऊपर सूडो फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये सामान आपको यहां फोर्स लगाएगा और यहां कहीं मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर इसका मास एम है तो ये एक्सलेशन किसके यूज करेगा, सिलेंडर की। तो कौन सी फोर्स लगी इस मास पे, सूडो फोर्स। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और सूडो फोर्स में एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने पूछा एक बैग के ऊपर कितनी फोर्स लगी, तो आपने कहा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे मैंने कहा एम आर ओमेगा तो सेंट्रीपिटल होती है, तो सूडो फोर्स भी सेम लगी। फॉर्मूला देखने में तो सेम ही लग रहा है, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला भी सेम होता है और सूडो फोर्स का फॉर्मूला भी सेम आ गया, तो सेम आने दो, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट क्लियर है कि ये मास पे फोर्स कहाँ लगेगी, अवे फ्रॉम सेंटर। और कितनी लगेगी, मास का इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये सूडो फोर्स है। इस चैप्टर में इन टाइप की सूडो फोर्सेस को सूडो फोर्स नहीं बोलते, इन्हें बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट करती है, और सेंट्रीफ्यूगल का दूसरा नाम है सूडो फोर्स। बस सूडो की जगह क्या नाम यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। तो मेरा पहला क्वेश्चन, सिलेंडर के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही थी, सेंट्रीपेटल। अंदर सामान जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपेटल ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल एक्ट्स अवे फ्रॉम सेंटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? दूसरा क्वेश्चन, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल इकट्ठी एक बॉडी पे एक्ट कर सकती हैं? नहीं, नहीं। सेंट्रीपेटल किस पे एक्ट कर रही है, सिलेंडर। सेंट्रीफ्यूगल किस पे एक्ट कर रही है, मास। तो ये हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती हैं, एक बॉडी पे इकट्ठी कभी एक्ट नहीं करेंगी। तो एक ए के पास होगी सेंट्रीपेटल और उसके अंदर सामान पड़ा होगा, उसके ऊपर क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल। फॉर्मूला दोनों में सेम है, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, ओमेगा के साथ घूम रहे, राइट? एक मैन है, फ्रिक्शन दीवारों के साथ फ्रिक्शन है। एक मैन इसके साथ दीवार के साथ लगा खड़ा था, आपने सिलेंडर को घुमाना है तेज और तेज और तेज और तेज और तेज, इतनी तेज घुमाना है, कम से कम ओमेगा बताओ क्या होगा, कि अगर मैं उसका फ्लोर हटा दूं, हवा में घूम रहा सिलेंडर, उसकी जमीन हटा दी तो भी बंदा नीचे नहीं गिरेगा, चिपका मिलेगा आपको, साथ साथ घूम रहा है तो भी साथ साथ ही घूम रहा है, तो आपको ओमेगा बताना है क्या होगा। अब क्या होगा, जब ये ओमेगा के साथ घूमेगा तो मैन के ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ए। तो मैन दीवार पे फोर्स क्या लगाएगा, एम ए। दीवार बदले में क्या लगाएगी, नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। अगर फ्लोर हट गया तो मैन नीचे गिरेगा, क्यों, वेट की वजह से एम जी। फ्रिक्शन कैट करेगी ऊपर, फ्रिक्शन बचाएगी। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैन के वेट के इक्वल या बड़ी हो गई तो मैन नीचे नहीं गिरेगा, क्लियर है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम ए, क्लियर है? यहां तक एक ही जगह पुट कर लेना, आर ओमेगा स्क्वायर, एक ही बात है, आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह एम ए, एक ही जगह आर ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर।
ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट। अब ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो कम से कम ओमेगा क्या होगा, ग्रेटर देन हटा दो इक्वल टू लगा दो, मिनिमम ओमेगा आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है, आंसर कैसे आएगा? तो कम से कम इतना ओमेगा रखना ही पड़ेगा सिलेंडर का ताकि मैं नीचे ना गिरे। कोई डाउट, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। नहीं करना कितने, एक साल बाद किसको याद है कौन सा सिलेंडर कौन सा मैन कॉन्सेप्ट। फॉर्मूले फूमले तो जितने कम याद करोगे सुखी रहोगे, मैं तो नहीं इतना बोल ले सकता यार। कम से कम फॉर्मूले कर, ठीक है यहां तक? ओके, सपोज एक डिस्क है, डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ है 1 रुपए का, ये रहा डिस्क घूम रही है। अब डिस्क ओमेगा से घूम रही है तो कॉइन साथ में घूम भी सकता है और बाहर भी गिर सकता है। कॉइन को बाहर कौन गिरेगा? सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि डिस्क के पास क्या है? सेंट्रीपेटल। उसके ऊपर जो सामान पड़ा हुआ है उसके ऊपर क्या है? सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल कॉइन के ऊपर लगेगी अवे फ्रॉम सेंटर। अगर कॉइन चाहते हो ना गिरे तो कौन बचाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आप चाहते हो कि ओमेगा बताओ डिस्क का क्या हो, कॉइन नीचे ना गिरे, कॉइन नीचे कब नहीं गिरेगा? जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर उठा के बाहर फेंकनी चाहती है इसे सेंट्रीफ्यूगल, और कौन बचाएगा कॉइन को? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन की फोर्स बड़ी होगी सेंट्रीफ्यूगल से, कॉइन नीचे नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा बाहर की तरफ। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या? म्यू टाइम्स एम जी, एम से एम कैंसल, सॉल्व करके ओमेगा। अब ओमेगा लेस देन इक्वल टू दिस तो कम से कम ओमेगा क्या होगा? इक्वल टू कर लेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कितना ओमेगा होगा ताकि कॉइन नीचे ना गिरे? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो हर क्वेश्चन में नया है, बस यही देखना है कि किस क्वेश्चन में क्या है, और आपने यही रिवाइज करना है। तो आपके क्वेश्चन किस रेंज में आएंगे आपको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, सपोज करो एक रॉड है, ये एक रॉड है, और सपोज करो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग कैसे है? एक रस्सी है, वो साथ साथ गोल गोल घूम रही है, मास m है, लेंथ ऑफ द रॉड इसमें l है और रस्सी की लेंथ भी l है। तो जब ये घूमेगी, जब ये घूम रही है पूरी की पूरी, रॉड तो देखो मूवेबल नहीं है, रॉड तो बिल्कुल फिक्स है, ये नहीं मूव करेगी, रस्सी थीट एंगल पे आके घूमेगी। तो अगर मैं इसको पूरा डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम यहां भी तो बनेगा, जब रस्सी इधर को आएगी चेक करो, ऐसे भी तो बनेगा। क्लियर है? ऐसे घूमेगा ना गोल गोल। तो ये मास m कितने रेडियस में घूमेगा? इस रेडियस में घूमेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जो मास m है उसका रेडियस घूमने का क्या होगा? ये पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा इसका क्या बना जाएगा? रेडियस। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ट्रैक देख लिया सर्कल का क्या है। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? आपको ओमेगा निकालना है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, पहले क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता जब आप फोर्सेस नहीं ड्रॉ करते जब तक। अब फोर्सेस के अंदर क्या ड्रॉ करोगे? फोर्स के अंदर सबसे रस्सी में क्या जाएगी? टेंशन। तो अगर ये थीटा तो ये थीटा, टेंशन के तो कॉम्पोनेंट्स टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। तो सेंटर की तरफ क्या है? टी साइन थीटा। इस मास का सेंटर यहाँ कहीं बनेगा, ठीक। इसका वेट क्या है? एम जी। तो कितने रेडियस में घूम रहा है? तो अगर ये एल है तो ये भी क्या है? एल है। अगर ये एल है और ये थीटा है तो ये क्या आएगा? एल साइन थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल में एल साइन थीटा। तो इसके अंदर ये टोटल लेंथ क्या आएगी? एल प्लस एल साइन थीटा। तो कितने रेडियस में मास घूम रहा है? एल प्लस एल साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी इसकी घूमने की? एल प्लस एल साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। रेडियस समझ में आ रहा है? बाकी तो पता ही आपको, जो टेंशन के कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो टी कॉस थीटा क्या? एम जी। एंड टी साइन थीटा कहाँ एक्ट कर रहा है? टूवर्ड्स सेंटर। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपेटल। एम आर ओमेगा स्क्वायर में आर की जगह एल प्लस एल साइन थीटा। तो एक ये फोर्स है, ये फोर्स है, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं टेन थीटा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। आइडिया समझ में आ रहा है? जो रस्सी वाले क्वेश्चन है ना यार, उसमें तो एक ही कॉन्सेप्ट है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा एम जी, टी साइन थीटा सेंट्रीपेटल। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? आप चिंता ना करो, 50 क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास तक, 50 क्वेश्चन सेंट्रीपेटल के, ताकि आपको एकदम मतलब तीसरे चौथे लेक्चर में तो अंदर से आएगी सेंट्रीपेटल क्या होती है, बाहर निकलेगी फोर्स। ठीक
ठीक है, शुरू शुरू में अजीब लगता है, बाद में देख देख के समझ आ जाता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यस शुरू में आपको लगेगा यार मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये फोर्स है ये फोर्स है, आपको अपने आप ठीक लगेगा। नेक्स्ट सर, ये इसमें क्वेश्चन लास्ट है, एक क्वेश्चन में ब्रॉडर स्ट्रिंग डाउट है किसी को? लेंथ। यस सर, सर देखो हमने इसमें एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, रादर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ही लो आप, स्ट्रिंग है और मास एम है। ये मास एम ना सर्कल में घूम रहा है ऐसे, इधर से इधर से इधर ऐसे। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये ओमेगा के साथ घूम रहा है, ठीक है, एल इसकी लेंथ है, रेडियस इसका एल है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी घूमने की। अब एक ना फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना, मैंने पहले भी करवाया फिर करवा रहा हूँ, कि पहला फॉर्मूला ओमेगा क्या होता है, 2π/T होता है, 1/T क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लें, एक ये यूज़ कर लें एक ये नोट करें, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा गिवन है, कैपिटल टी निकालना है तो भी आ जाएगा, ओमेगा गिवन है फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो भी आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक? अब इससे पहले मैं आगे चलूँ, एक और चीज़ समझो। सपोज करो आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ रेडियस आर, एक मास है एम मास है, ये मास सर्कल में घूम रहा है, स्ट्रिंग को घुमाते हैं ना, पत्थर को घुमा रहे हैं टेंशन के साथ। तो यहाँ पर क्या है, टेंशन टी एन टी। तो लेट अस सपोज ये स्टोन घूम रहा है विद ओमेगा, ओमेगा के साथ घूम रहा है, तो इसमें कौन प्रोवाइड करेगा इस पत्थर को सेंट्रिपिटल? पत्थर से पूछ लो तेरे पास कौन सी फोर्स है, वो कहेगा जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है वो क्या कहेगा, सिर्फ टी टेंशन, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ पर है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम में इस टेंशन जो है वही प्रोवाइड करेगी इसे सेंटर। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जब पत्थर घूमेगा तो टेंशन कहाँ एक्ट करेगी, टूवर्ड सेंटर ये रही, एंड क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रिपिटल, एम आर ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, याद रहेगा यहाँ तक? सेम चीज़ है इसमें, सेम है, टी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस की जगह एल, ओमेगा क्या है 2π/2 फ्रीक्वेंसी, स्क्वेयरिंग किया फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, आंसर आ गया। किया ही नहीं इसमें, एक ही तो स्टेप है इसमें। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये नहीं अभी करना हमने। वर्टिकल मोशंस हैं, ओके ये कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज पढ़ें, इस क्वेश्चन को पढ़ें,
कार व्हील रोटेट्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एल्फा. ये क्वेश्चन नॉर्मल से डिफरेंट है. एक कार का व्हील है, रोटेट कर रहा है विद एल्फा. एल्फा का मतलब ओमेगा इंक्रीज कर रहा है. गिवन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो. एंड थीटा वन रोटेट करता है इन फर्स्ट 2 सेकेंड. पहले 2 सेकेंड में एंगल कवर कितना है, थीटा वन. ये ना मोशन जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे 10 मीटर ट्रेवल करता है मान लो इन टाइम 2 सेकेंड. फिर अगले 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, थीटा टू. जैसे एस वन करता है, एस टू करता है, एस वन की जगह थीटा वन, एस टू की जगह थीटा, सेम ही तो बात है. तो अगर ये एस होता मैं क्या लगाता, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. पर यहाँ पर थीटा तो मैं क्या लगाऊंगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर. मोशन का क्वेश्चन है ये. तो केस नंबर वन, एंगल कवर कितना है पहला, थीटा वन. इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट क्या है, जीरो. और टाइम टेकन कितना है, टू. दूसरे केस में एंगल कवर कितना है, थीटा टू. तो स्टार्टिंग से टोटल एंगल कवर कितना है, थीटा वन प्लस थीटा टू. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो. टाइम कितना हो गया शुरू से, 2 + 2 = 4. तो दो इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड कर लो, 2 और 1 को डिवाइड करोगे, एल्फा एल्फा हाफ हाफ सब कैंसिल. तो थीटा टू बाई थीटा वन एक तरफ, सॉल्व करके इसकी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी. इस टाइप की प्रॉब्लम अभी हम नेक्स्ट टाइम भी करेंगे.